प्रणाम साथियों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और आप सभी लोग बढ़िया होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ चंद बातें करना चाहता हूँ, तो आज की मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि कल सुबह अपनी वोटिंग है। आप लोगों को पता है कि जो 5 साल से मेरे पापा मेहनत कर रहे थे उसका परिणाम अब कल की वोटिंग पर ही डिपेंड करता है। तो मैं सर आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि अब की बार मेरे पापा को ही वोट दें, उनको भारी मतों से जिताए। और लोग किस बेसिस पे रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हम जीतेंगे तो हम ऐसे काम करेंगे, वैसे काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज हमने भी पूरा मैनिफेस्टो निकाला है, हमने भी कहा है कि हम ये काम करके दिखाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा गौर करने की बात ये थी कि आज पुष्पेंद्र जी अब जीते भी नहीं थे, किसी पद पर भी नहीं थे, तब भी 5 साल अपने बीच में रहे। आज अपन लोग एक बार को पार्टी पॉलिटिक्स को साइड में रखें। आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि हम बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के हैं। एक बार आप पार्टी को छोड़ के एक बार व्यक्ति को देखिए और मेरे को एक चीज़ का जवाब दीजिए कि पुष्पेंद्र जी ने हारने के बाद भी कोई सेवा में कमी छोड़ी क्या? तो आज जो व्यक्ति 5 साल अपने साथ में खड़ा था, अपनी हर ज़रूरत में खड़ा था, आज उसको आपकी ज़रूरत है। और अब मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग अब की बार पार्टी पॉलिटिक्स चक्कर के अंदर एक मेहनती आदमी को ना नकारें और उस आदमी को ही विजय बनाएं। आज होने को हमने जो रैली निकाली है जो आप इस व्लॉग में देखेंगे, वो जयपुर के इतिहास की सबसे बड़ी रैली थी जो आज सांगानेर में निकली। आज हमारे ओपोनेंट ने भी निकाली, आसपास भी सारी विधानसभाओं में रैली निकली। लेकिन जो मज़ा इस रैली को देख के आपको आएगा, आप ये समझ जाएंगे कि हाँ पूरा के पूरे सांगानेर का समर्थन अपने साथ में है। लेकिन अब जो लोग यहाँ पर बचे हुए हैं कि नहीं यार हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, हम तो उस पार्टी के सपोर्टर, हम इस पार्टी के सपोर्टर हैं, अब की बार एक व्यक्ति के सपोर्टर बने, अब की बार जो काम करा रहा है उसके सपोर्टर बने। क्योंकि अपन लोगों को जो है किसी पार्टी का गुलाम नहीं बनना, पार्टियाँ अपनी गुलाम है अपना काम कराने के लिए। आज अगर अच्छा चेहरा दूसरी पार्टी में होता जो मेहनत कर रहा होता, 5 साल अपने साथ खड़ा होता, तो अपन उसका भी समर्थन करते। लेकिन अब की बार जिसने सही में मेहनत करी है ना, जिसने सब लोगों के काम किए, जो सबके साथ में 5 साल खड़ा रहे, अपन को उसको वोट देना है और उसी को विजयी बनाना है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और जो लोग भी यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं यार हम तो देखो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप मेरे को एक चीज़ सच सच बताना, अपने मन पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के बोलना कि आज जो व्यक्ति यहाँ पे बीजेपी से टिकट लेके आए हैं, क्या वो कोई भी काम कराने आए थे? आज अपन को कोई ज़रूरत पड़ी थी? आज पूरे 5 साल पुष्पेंद्र जी क्षेत्र में थे, हमारे साथ में थे, 24 घंटे का कार्यालय खोल के बैठे थे कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास में आए तो मैं उसकी मदद करूं, कोई मुझे बुलाए तो उसके पास मैं जाऊं। ये व्यक्ति अभी नए आए हैं, भारी व्यक्ति हैं, जयपुर के भी नहीं है। और मेन चीज़ बस ये है कि अपन लोग अब की बार काम पर वोट दें, अपन पार्टी पर वोट नहीं देंगे सोच के कि नहीं यार ये आदमी बाद में शायद करा दे। जो आदमी करा रहा था उसको इस बार वोट देना। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत समझदार हैं और आप लोग एक मेहनती आदमी को अब क्या नहीं निकालेंगे और एक मेहनती आदमी का ही समर्थन करेंगे। धन्यवाद। तो अब की बार अपन लोगों को पुष्पेंद्र जी को ही जिताना है। बैलेट नंबर 2 है अपना, हाथ पे वोट डालना है ताकि एक मेहनती आदमी जीते और सांगानेर विधानसभा का ढंग से विकास करे। बोलो श्याम बाबा की जय। साथियों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। और आज जैसा आप सभी लोगों को पता है कि अपने श्याम बाबा का जन्म महोत्सव है और इस शुभ दिन पर आज हम लोग हमारी जो है लास्ट कार रैली निकालने वाले हैं इस चुनाव की। आज आपको पता है कि अपना चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो खत्म होने वाला है। आज लास्ट डेट है अपना प्रचार करने के लिए। आज है 23 नवंबर और आज के दिन जो है 5 बजे से जो है सारे चुनाव के प्रचार वगैरह बंद हो जाएंगे। उसके बाद में ना आप बैनर लगा सकते हैं, ना आप कोई पट्टियां बांट सकते हैं, ना गाड़ी पे पट्टी चिपका सकते हैं, कुछ ही नहीं कर सकते। अब आप सिर्फ या तो लोगों से पर्सनली मिल सकते हो या फिर बात कर सकते हो, लेकिन आप कोई भी ऑफिशियल सिंबल वगैरह, लोगो वगैरह, फोटो वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं ना भाई। तो अब जो है आज शाम से जब चुनाव का प्रचार बंद होगा तो हमने सोचा कि उससे पहले एक महाविशाल रैली निकाले अपन लोग गाड़ियों की। तो अभी वो निकलने वाली है और पूरे सांगानेर के अंदर घूमेगी रैली, तो मज़ा आएगा। आप लोग देख सकते हैं मेरे सारे के सारे दोस्त आज मेरे साथ मौजूद है वहाँ पे, देख रहे चश्मा लगा के दर्शन भट्ट भी पूरा तैयार हो रखा है। तो आ जाएगा भाई असली मज़ा। आज अपने को जो है ना चुनाव का मतलब एक तरह से रिजल्ट ही पता चल जाएगा है ना। आज अपना जो ओपोनेंट है बीजेपी से जो भजनलाल जी हैं वो भी रैली निकाल रहे हैं, आज अपन भी रैली निकाल रहे हैं। आज रैली देख के पता चल जाएगा कि भाई कौन किसको कितना प्यार करती है जनता, सही बात है कि नहीं? और कौन कितना पानी में है और कौन कितना तैर रहा है, सब दिख जाएगा आज के दिन में, सब पता चलेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, देखो लोकतांत्रिक देश है, लोगों को जिसका सपोर्ट करना उसका करेंगे भाई, जिसको उसके पास जाना है उसके पास जाएगा, जिसको अपने पास आना है वो अपने पास आएगा। लेकिन भीड़ देख के आज अपने को आइडिया लग जाएगा कि ज़्यादा लोग किसके साथ में, सही बात है कि नहीं? तो आज आप लोग देखो, आज आपको पता चलेगा कि भाई 5 साल के अंदर कितना भाईचारा, कितना प्यार और कितना समर्थन और आशीर्वाद अपन लोगों को मिला है लोगों का, जनता का, वो आज आपको देखने को मिलेगा भाई। जो अपन ने काम करे ना 5 साल लोगों के, जो अपन सबके बीच में रहे उसके लिए जनता हमको कितना प्यार देने वाली है ना, वो सारा प्यार आज के दिन दिख जाएगा भाई अपन को। और बाकी 3 तारीख को तो दिखेगा ही दिखेगा जब रिजल्ट आएगा अपन लोगों का, तो बहुत मजा आने वाला है। अभी अपन लोग पहुंचते हैं भाई तुरंत। भाई क्या लग रहा है कितनी गाड़ियां हो जाएगी तेरे हिसाब से? 800-1000 तो आराम से। अरे यार दर्शन क्या बोल रहा है भाई, यार कम बात कर दी, छोटी बात कर दी भाई ने, क्या कह रहे हैं छोटे मोटी बात कर। यार तू यार सुन मेरी बात ना, इतनी तो अपने क्या नामांकन भी हो गई थी यार, तू कैसी बातें कर रहे हैं यार। आज का तो भाई शक्ति प्रदर्शन है अपना, आज भी अगर 1000 गाड़ी हुई ना तो यार क्या मतलब है भाई, तो एक बार देख आज एक बार तो चल तो सही है। 4-5 हजार। अरे मैं कह रहा हूँ तुम देखो, तुम सिर्फ वहाँ पे चलो और आप लोग भी देखो जरा आज वीडियो में। आज आपको बता लिया मैंने क्या बोला,
आप मेरे को जो जो भी प्यार करते ना आज 90% 80% या मतलब मोस्टली लोग जो आ सकते हैं वो सब लोग आने वाले हैं आज के दिन, तो तुमको क्या लग रहा है इतने से लोग प्यार करते हैं अपन को? तुम देखो तो सही आज कितने लोग अपन को प्यार करते हैं। आज आपको देखने को मिलेगा कि भाई जब कोई मेहनत से काम करता है ना नेता, तो फिर जनता उसको जब दिलों में बैठा लेती है ना, तो फिर उसकी रैली ऐसी निकलती है। देखो अपने अपनी गाड़ी जा रही है, ये एक गाड़ी ये भी वहीं जा रही है अपने वहाँ पे। साथियों रैली में पहुंचने से पहले मेरे को एक बहुत ही विचित्र और शानदार चीज दिखी भाई, मजा आ गया मतलब देख के मेरे को। पहले तो देखो कितना प्यारा सा पापा का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आपको एक किराए का कार्यालय दिखाते हैं, किराए का कार्यालय आपको मजा आएगा देख के। 20 दिन का कार्यालय खोला है अपने यहाँ पे भजन लाल जी ने, और बड़ा मजा आ रहा है। आज ये भी तो रैली निकाल रहे हैं ना भाई। देखो गाड़ियां खत्म, बस ये गाड़ियां इनकी टोटल भाई। यार मुझे तो अभी से दिख गया भाई, बस ये गाड़ियां यहाँ पे खत्म हो चुकी है बस। अब बताओ आप है ये यहाँ पे ये लास्ट तक था, और लो भाई गाड़ियां खत्म, अब कोई गाड़ी नहीं है भजन लाल जी की। अब आपको दिखाएंगे भाई हमारी गाड़ियां कितनी है। चलो भाई आप हमारे साथ में, क्या हो गया? अच्छा मुई मुई हो गया क्या मेरे साथ में? भाई कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई सीधी सी बात ये है कि भाई टिकट मिलने के बाद में जो आदमी शक्ल दिखा रहा है वो आदमी कैसे सोच सकता है कि एक तो मैं जीत जाऊंगा, दूसरा जनता मेरा समर्थन कर लेगी। भाई 5 साल आप उनके साथ में खड़े रहोगे हर सुख दुख में, तब तो वो आपके साथ में लगेगी। कोई बोलो आपके गुलाम तो है नहीं कि भाई हाँ यार बीजेपी ने जिसको भी टिकट दे दिया हम तो उसके साथ में भाई गुलामी करने लग जाएंगे वहाँ पे, ऐसा नहीं है भाई। पार्टियां जनता की गुलाम होती है, जनता के लिए काम करती है, जनता पार्टी की गुलाम नहीं है। जो अच्छा काम कर रहा है जनता उसी का साथ देगी। आज अगर बीजेपी का आदमी अच्छा काम करेगा तो उसका साथ देगी, कांग्रेस का आदमी अच्छा काम करेगा तो कांग्रेस का साथ देगी। और बीजेपी के जो व्यक्ति खड़े हुए हैं भाई उन्होंने तो चेहरे ही टिकट मिलने के बाद में दिखाया है। आज तक ना कोई बैनर था ना कोई पोस्टर था। सांगे नेर की जनता जो भी इस ब्लॉग को देख रहा है, सच्ची सच्ची बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, इस आदमी का कभी नाम भी सुना था कि जिंदगी के अंदर जब तक टिकट नहीं मिली थी? तो भाई अपने तो साफ है पूरा पूरा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आज आया मैं, आज क्या ना राइवलरी वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, क्योंकि आज क्या दोनों की रैलियां निकल गई हैं, दोनों का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। आज नारेबाजी होगी खतरनाक वाली है, खतरनाक नारेबाजी है। तू भी नारे लगाएगा? लगाएगा क्या? पीछे अपना एक नया साथी है भाई, कैसे लगाया नारे बता, लगा के दिखा। क्या हुआ कौन जा रहे? अच्छा नाना जी लगा के गाड़ी लो। ये भी हमारे साथ ही जा रहा है रैली के अंदर। अरे मैं कह रहा हूँ यार सब लोग अपने साथ जा रहे हैं भाई, मजा आ गया। साथियों ये जो आप लोग भीड़ देख रहे हैं ना, ये जैसे ये गाड़ी है वो सारी गाड़ियाँ अपनी आ रही है। हेलो भैया, और जो अभी सारी गाड़ियाँ निकली है ये अभी रैली शुरू नहीं हुई है। एक्चुअली ये सारी गाड़ियाँ अभी अपने मेन स्पॉट पे जा रही है जहाँ से रैली शुरू होगी। तो सिर्फ जो गाड़ियाँ जा रही है वो देख के आपको समझ आ गया होगा कि कितना अपना लंबा काफिला होने वाला है। ये देखो रुक नहीं रही है गाड़ी, आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। दुनिया का प्यार दिखाओ, रुक ही नहीं रहा ये प्यार, रुकना रुकना भी नहीं चाहिए। अभी गाड़ियाँ आए जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मेन स्पॉट पे पहुंचेंगे, फिर देखना सारी गाड़ियां जब एक साथ निकलेगी तो अभी आइडिया तो लग ही गया होगा आप लोगों को कि कैसा है। क्या स्टिकर? स्टिकर आ गया, स्टिकर लगवाओ यार उसको। रुद्र रुद्र भैया के लिए स्टिकर मंगवाए गाड़ी पे लगाने। तो साथियों अब हम भी निकल गए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग भाई क्या शानदार झंडा लगा है अपनी गाड़ी के सामने। और अब आपको समझ आ गया होगा जो हर जगह पे अपनी गाड़ियां दिख रही है, गाड़ियां दिख रही है। और ये तो देखो भाई हमारे कार्यालय का सीन है, और अभी हम लोग हमारे विपक्ष के आदमी का कार्यालय भी आपको दिखा के आए थे, ठीक है। तो हम देखो किसी को गिरा नहीं रहे, नीचे नहीं दिखा रहे, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई आपके सामने है भाई। ये इतने सारे समर्थक अपने साथ में अभी लगे हुए हैं भाई, देखो हर जगह पे अपनी गाड़ियां दिख रही है, ये देखो। तो साफ है ना मामला, साफ है। और बाकी अब सोचो जो गाड़ियां अभी है तो सड़क पे चलती हुई गाड़ियां दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी आपको आधे ज्यादा लोग क्या डेस्टिनेशन पे पहुंच गए ना सब लोग? हाँ तो अब हम भी लोकेशन पे पहुंच रहे हैं भाई, ड्रोन शॉट्स रुद्र ही उड़ाएगा आज अपना ड्रोन। आज ड्रोन शॉट का सारा श्रेय हमारे भाई रुद्र को जाता है। रुद्र हमेशा मेरे को जाता है। हाँ भाई हमेशा इसी को जाता है, इसने बहुत सहायता करी है मेरी पूरे इलेक्शन में। रुद्र बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत मेहनती आदमी है। घर के भेजेंगे भाई तेरे को,
इलेक्शन के बाद में तो हमारे साथ में काम भी तो कराएगा ना जनता की सेवा का। और क्या, हाँ जनसेवक जी के साथ में तू भी सेवा करेगा। हाँ एक हफ्ते घर रह के आऊंगा फिर वापस आ जाऊंगा। अपनी स्कॉर्पियो भी यहाँ पे आ गई है। अबे ये क्या हो रहा है? ये पापा के स्टिकर को ले आ गया यहाँ पे। भाई अब आप देखो पूरे सांगनेर में सिर्फ अपनी गाड़ियाँ दिख रही है और अभी तो काफिला शुरू नहीं हुआ है, तो मतलब सब लोगों को पता है भाई कि इसका माहौल चल रहा है अभी सांगनेर के अंदर। जहाँ देखो वहाँ पुष्पेंद्र जी का ही नजर आ रहा है भाई मेरे को। तो तुम बता दो सामने वाले आदमी की अभी एक भी गाड़ी दिखी हो तो। आप बताओ जब चुनावी माहौल होता है बीजेपी कांग्रेस दोनों की गाड़ियां घूम रही होती है। बीजेपी की गाड़ियां मेरे सिर्फ उसके कार्यालय के बाहर दिखी थी और वो भी इतनी सी दिखी थी जितनी सी अभी हमको रैली में पहुंचने से पहले उससे भी डबल ट्रिपल दिख चुकी है अपनी गाड़ियां। तो अपन को अभी हम पहुंचे नहीं है ना तब भी अपन को उनसे डबल ट्रिपल गाड़ियां दिख गई बता रस्ते में ही। तो तू सोच भाई कोई दिक्कत की बात नहीं यार, जीत रहे अपन लोग। बाकी देखो एक वो रहनी चाहिए गेम की अच्छी स्पिरिट रहनी चाहिए। अपन सामने वालों की भी रिस्पेक्ट करते हैं इक्वली आज वो अपने सामने खड़े हुए हैं तो। लेकिन हार जीत देखो चलती रहती है, एक ही आदमी जीतता है एक ही आदमी हारता है तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं हारने वाले तो चलो बहुत सारे होते हैं, जीतता एक आदमी है ठीक है ना। खड़े तो कितने सारे लोग हो रखे हैं, निर्दलीय भी हो रखे हैं दूसरी पार्टी से भी हो रखे हैं, लेकिन जीत एक ही आदमी की होती है और आपकी बार अपनी हो रही है। 17 लोग खड़े हैं, वाह यार बढ़िया है भाई अच्छी बात है। नहीं चर्चों में तो सिर्फ पुष्पेंद्र जी ही है। वो देखो वही सामने देखो झंडे ही झंडे दूर दूर तक जितने देखो अपने हैं। ये देखो भाई ये देखो ये देखो भाई मतलब इधर भी अपनी गाड़ियां उधर भी अपनी गाड़ियां उधर रोड़ी जाम कर दी। अरेन अरेन अब हमको रॉन्ग साइड चलना पड़ेगा, उस साइड गए तो अपना गाड़ी आगे लगेगी कैसे? फिर अपने यहां लेफ्ट लो और वापस सर्विस लेन से उल्टा चल गए उस साइड रॉन्ग साइड चलो। हां सही है तो पूरी रोड खत्म है तो आगे तक ही। हाँ फिर रोड ही बंद करवा दी, रोड ही बंद कर दी। रोड देख ना रोड बंद है मेरे भाई, रोड बंद है आगे देख कहाँ पर है यू टर्न लेने के तक। अबे ये गाड़ियां तो वहां तक है और क्या, वही तो पूरा जाम हो गया रास्ते। आगे सर्विस आगे यहाँ से सर्विस लेन में डाल, वही सच में वो पुणे में दबाना, मैं ड्रोन टेक ऑफ तो कर दूं भाई यार। मैं भीड़ देख के जो सामने पूरी रोड जाम हो रखी है अब पूरे रोमटे खड़े हो गए भाई ये देख के। आइए रुद्र रोड आएगा इसको रग रग में जिसके है राजस्थान, सांगानेर की जो है शान। रग रग में जिसके है राजस्थान, सांगानेर की जो है शान। सेवा ही धर्म है जिसका करता जो, सबका सम्मान जिन सत्ता के जो कर गया ढेरों काम ढेरों काम। सांगानेर में तो पुष्पेंद्र भारद्वाज रे, जन सेवक ही जीतेगा जनता का होगा राज रे। सांगानेर में तो पुष्पेंद्र भारद्वाज रे, जन सेवक ही जीतेगा जनता का होगा राज रे। सबका सहयोग किया कोविड में, हर घर दवा और राशन पहुंचाया। कोविड में हर घर दवा और राशन पहुंचाया। संकट जब आया गो माता पे, तूने धर्म अपना निभाया। सड़कें हो या शिक्षा हो, लोगों की सुरक्षा हो, भूलेंगे ना तेरे की ये काज रे। सांगानेर में तो पुष्पेंद्र भारद्वाज रे, जन सेवक ही जीतेगा जनता का होगा राज रे। सांगानेर में तो पुष्पेंद्र भारद्वाज रे, जन सेवक ही जीतेगा जनता का होगा।
जैसे कि मैंने बोला था ड्रोन मैं उड़ाऊंगा और सारे क्रेडिट मैं खाऊंगा, पर लेकिन नहीं, मेरा भाई कार्तिक उड़ा रहा है ड्रोन। अच्छा तो तुम्हें कोई क्रेडिट भी दे रहे हो? नहीं आप ले लो, मैं क्रेडिट में कह रहा हूँ, स्क्रिप्ट को ब्लॉग में डालने मत लगने दो सबको कि उधर ही उड़ा रहे ड्रोन। नहीं 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 नहीं, मेरा भाई उड़ा रहा है, पिछली बार मैंने उड़ाया था थोड़ा बहुत, मतलब यही चलता है 50-50, जब ऐसा इतने बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो 50-50 और कोई नॉर्मल प्रोग्राम होता है तो उड़ाता है फिर आरे उड़ाता है। और भाई पीछे इतना शानदार माहौल हो गया है साथियों, मैं भी ड्रोन उड़ा उड़ूंगे, अब जा रहा हूँ यहाँ पे रैली के मजे लेने के लिए सब लोगों के साथ में। अब मैं भी रैली में किसी गाड़ी वाड़ी में बैठ जाता हूँ और बढ़िया रैली के मजे लेता हूँ। ये देखो भाई भाई बहुत बहुत आगे तक रैली है, नहीं नहीं करते हुए भी कितने किलोमीटर आगे तक है मैं बता नहीं सकता। हाँ भैया हाँ भाई साथियों, अब हम लोग भी आ गए हैं गाड़ी में, वो भी शोर हो रहा है खतरनाक वाला। ये देखो आपको सामने मेरे पापा की गाड़ी, भीड़ देखो आप लोग एक बार पीछे भीड़ देखो। सांगानेर में तो पुष्पेंद्र भारद्वाज रे, जन सेवक ही जीतेगा जनता का होगा राज रे। सांगानेर में तो पुष्पेंद्र भारद्वाज रे, जन सेवक ही जीतेगा जनता का होगा राज रे। पुष्पेंद्र हाँ वो जीत गया फुल बहुमत से, फुल सफिस से पुष्पेंद्र भारद्वाज टाइगर मोदी का। अरे वाह पुष्पेंद्र भारद्वाज जिंदाबाद, मेरा कहना है पुष्पेंद्र की जीत गया, पुष्पेंद्र भारद्वाज फुल बैंकर जीत गया, फुल बैंकर जीत गया, जीत गए जीत गए पुष्पेंद्र भारद्वाज जिंदाबाद, फुल बहुमत से जीत गया, वाह जंगल वाह, फुल बहुमत से जीत गया। तो साथ ही जैसे आप लोग देख सकते हैं, तो साथ ही जितना सोचा था उससे भी ज्यादा भीड़ आई है आज की अपनी रैली के अंदर। तो भाई आज तो रिंकू भैया भी आए हुए हैं। बजरंग बली का मंदिर आ गया भाई, बजरंग बली की जगह बजरंग बली। जन जन का स्वाभिमान है, जन सेवक ही पहचान है। अकेले अकेले मोमोज नहीं हुए इधर तो है। कितने हैं भाई? अच्छा एक ही है क्या? मैं मेरे भाइयों को समर्पित करता हूँ ये, मेरा दिल बहुत बड़ा है, खा लो तुम लोग एक एक टुकड़ा खा लो, आधा टुकड़ा खा ले। ओए आदम थोड़ा मैं भी पूरा हो गया नमन अंजुल अंजुल हे पुष्पेंद्र वो भारद्वाज, वो सांगानेर की शान है, वो सांगानेर की शान है। अपनी एक हस्ती है, लगन सेवा की मस्ती है, वो पक्का कांग्रेसी है, नहीं कोई अब अनजान है, वो पुष्पेंद्र भारद्वाज है, वो सांगानेर की शान है।
का सदा सम्मान किया। इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवा नए कॉलेज सौगात दिया। रामपुरा से रिको एरिया सीमेंट रोड चमकाई है। नई सड़क काला बड़ वाली गली गली चमकाई है। युवा दिलों की धड़कन है। हाँ भाई कार्तिके मजा आ रहा है। विकास का तूफान है। वो पुष्पेंद्र भारद्वाज है। वो सांगानेर की शान है। लो भाई कार्यालय आ चुके हैं हम लोग और बहुत ही शानदार माहौल हो रहा है फिलहाल कार्यालय पे। अब सब अपने अपने घर जाएंगे। अब प्रचार प्रचार तो बंद हो गया, अब चिल मारेंगे थोड़ा सा। अपन लोग मैनेजमेंट देखेंगे भाई। बाकी अब दो दिन के अंदर वोटिंग है तो वोटिंग में वैसे भी अपन को जीत रही है। हाँ भाई कैसा लगा आज? मजा आया नहीं आया बताओ भैया? भाइयों ये हम आज की रैली से फ्री हो गए, जस्ट घर निकल रहे थे कैब बुक करके। और यहाँ देख सकते हैं हमारे प्यारे भजन लाल जी अपने कार्यालय पे भजन कर। हमें शादी हो रही है।
करेले पे शादी हो रही है आज। पहले सुनो, इनने मैरिज गार्डन किराए पे लिया था 20 दिन के लिए, मुझे भी पता है, दुनिया को भी पता है, लेकिन मैरिज गार्डन के अंदर कम से कम 20 दिन तो शादियां रोक लेते। वो मैरिज गार्डन वाला बोल दिया, नहीं भाई मैं तो शादियां कराऊंगा, तू तेरे पैसे वापस पकड़ ले भाई। भाई वो समझ गया ये हांडे वाले ना, वो पहले समझ गया भाई, गजब ही सीन हो गया। तो यार मतलब वाह यार, ये सही है, अपने कार्यालय पे शादी भी करवाते हैं, देखो कितने नेक नेता है ये। अच्छा आदमी है, कार्यालय पे लोगों की शादी भी करवाते हैं। वाह यार वाह, पैसे कमा रहे, थोड़े बिजनेस माइंडेड है। वाह जी वाह, वाह जी वाह।